ओम शांति। मधुबन बेहद घर से विशेष अटेंशन। आज मास का तीसरा रविवार, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। सभी ब्राह्मण वत्स संगठित रूप में श्याम 6:30 से 7:30 बजे तक अपने आकारी फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो। डबल लाइट फरिश्ता बन बाप दादा के साथ विश्व परिक्रमा लगाते हुए सर्व को सकास देने की सेवा करें। तो विशेष अपने संपूर्ण संपन्न फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर बाप दादा को साथी बनाकर संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाकर विश्व की एक एक आत्मा को सकास देना। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा इस 5 तत्वों की देह को छोड़कर उड़ चली धरती के ऊपर, आकाश तत्व और चांद तारों के भी ऊपर। श्वेत प्रकाश की दुनिया सूक्ष्म वतन में जाकर बैठ जाती हूं। अपनी प्रकाश की काया को धारण कर फरिश्तों के राजा ब्रह्मा बाप के सम्मुख आह्वान करें पिता निराकार परमात्मा का ब्रह्मा तन में। शिव बाबा मेरे संकल्प उठते ही परम धाम से नीचे सूक्ष्म वतन की ओर आ रहे हैं। फरिश्तों के राजा ब्रह्मा के चमकदार फरिश्ता स्वरूप में भ्रकुटी सिंहासन में बैठ जाते हैं। अब फरिश्तों के राजा ब्रह्मा बाबा और सर्व आत्माओं के पिता निराकार शिव बाबा मेरे सम्मुख विराजमान है। अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा मुझ फरिश्ते पर शक्तिशाली शक्तियों की बरसात करने लगे। अनुभव करें बाप दादा के शक्तिशाली प्रकंपन को।
समाते जाएं बाप दादा से निकलती शक्तिशाली किरणों को। बाप दादा की शक्तिशाली चमकदार किरणें मुझ फरिश्ते की चमक को करोड़ों गुना बढ़ा रहे। मैं फरिश्ता बाप दादा के शक्तिशाली प्रकंपन को समाकर वायुमंडल में चारों ओर शक्तिशाली प्रकंपन प्रवाहित कर रहा हूं। बाप दादा की शक्तिशाली किरणों से मुझ फरिश्ते की सर्व कमजोरियां व्यर्थ संकल्प विकल्प भस्म होने लगे। मैं फरिश्ता स्वयं को तृप्त अनुभव कर रहा हूं। अब बाप दादा नैनो ही नैनो में इशारों द्वारा मुझ फरिश्ते से मीठी मीठी रूरियान कर रहे हैं। बाप दादा कहते मेरे विश्व कल्याणकारी बच्चे अब अंत का भी अंत समय है। चारों ओर दुख है अशांति है। पांच तत्व भी अपना विकराल रूप दिखाने लगे हैं। चारों ओर युद्ध की आहट सुनाई देने लगी है।
मनुष्य आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं। क्या तुम्हें अपने भाइयों की चीख पुकार सुनाई नहीं देती? अब तुम बच्चों का श्रेष्ठ कर्तव्य है। सर्व मनुष्य आत्माओं को, दुखी अशांत आत्माओं को, अपनी शुभ कामना व शुभ भावना द्वारा अपने सर्व आत्मा भाइयों को शांति की सकाश देना। परमात्म वर्षे का अधिकारी बनाकर सच्चे सुख की अनुभूति कराना। अब बाप दादा कहते चलो विश्व का कल्याण करें, मैं फरिश्ता भी खुश होकर बाप दादा के हाथों में हाथ देकर उड़ चला नीचे की ओर विश्व सेवा पर। बाप दादा के साथ बादलों की मार्ग, बादलों की बदलियों को चीरते हुए मैं नन्हा फरिश्ता उड़ रहा हूं विश्व सेवा के लिए। बाप दादा के शक्तिशाली प्रकंपन बाप दादा के हाथों से होते हुए मुझ फरिश्ते में समाते जा रहे हैं। और मुझ फरिश्ते के अंग अंग से निकलकर वायुमंडल में फैल रहे हैं।
निरंतर बाप दादा की शक्तियां हाथों से निकलकर। मुझ फरिश्ते के हाथ से होती हुई वायुमंडल में निरंतर प्रवाहित हो रही है। वायुमंडल से एक एक आत्मा पर ऐसे बरस रही हैं जैसे बरसात का पानी। सर्व आत्माएं मुझसे निकलते दिव्य प्रकंपन को स्वयं में समाते जा रहे हैं। उन्हें असीम शक्ति की अनुभूति हो रही है। आत्माओं को अनुभव हो रहा है कोई दिव्य शक्ति हमें बढ़ती जा रही हैं और हम शक्तिशाली बन रहे हैं। ये दिव्य शक्तियां हमें दुख अशांति से मुक्त करा रही हैं। सर्व आत्माएं ऊपर आकाश की ओर निहार रही हैं। मैं नन्हा सा फरिश्ता बाप दादा के हाथों में हाथ लिए अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा एक एक आत्मा को शक्तिशाली शांति के प्रकंपन भेज रहा हूं। मनुष्य आत्माएं मेरे द्वारा अपने इष्ट देव देवियों का साक्षात्कार करने लगे। बाप दादा अपनी दिव्य शक्तियों को मेरे द्वारा एक एक आत्मा पर बरसा रहे हैं।
मनुष्य आत्माएं इच्छाओं से मुक्त। दुख अशांति से मुक्त, व्यर्थ चिंताओं से मुक्त होने लगी है। वे भी परमात्म शक्तियों की अनुभूति करने लगी। स्वयं को देहभान से मुक्त, इच्छा मनोकामनाओं से मुक्त, दुख अशांति से मुक्त अनुभव करने लगी। सर्व आत्माएं परमात्म शक्तियों की अनुभूति कर। आत्म अनुभूति कर रही हैं। और परमात्मा की ओर आकर्षित होने लगी है। अब मुझ फरिश्ते से निकलते शक्तिशाली प्रकंपन, प्रकृति के पांचों तत्वों पर बिखरने लगे। जल, वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि अपनी तमो प्रधानता को त्यागने लगे। एक एक तत्व हलचल से मुक्त हो। शीतल बनने लगे हैं। मनुष्य आत्माओं के प्रति दुखदायी ना होकर सुखदायी बनने लगे। अब बाप दादा मुझ फरिश्ते को ले चले पुनः सूक्ष्म वतन। अब मैं फरिश्ता अपने फरिश्ते स्वरूप को त्याग, अपने स्वस्वरूप ज्योति स्वरूप में स्थित हो। उड़ चला अपने घर परमधाम। अनुभव करें स्वयं को बिंदु स्वरूप में। बिंदु स्वरूप पिता परमात्मा निराकार के सम्मुख।
पिता परमात्मा से निकलती शांति की शक्तिशाली किरणों। गुण रूपी किरणों, ज्ञान रूपी किरणों को समाते जाएं स्वयं में। भरपूर हो जाएं, तृप्त हो जाएं। अब पिता परमात्मा का शुक्रिया कर, उड़ चले नीचे स्थूल वतन। और विराजमान हो जाएं अपने पांच तत्वों की देह में। अच्छा, ओम शांति।